तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन एंड यू वाचिंग जेकी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा जो प्रोडक्ट है, इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था, आप ये वाला वीडियो देखे होंगे, जिसमें मेरा साथ मतलब बिग फ्रॉड हो गया था। मैंने ड्रोन मंगाया था 10,000 रुपए का ऑलमोस्ट, और वो मतलब ड्रोन मेरे पास रिसीव नहीं हुआ था, कुछ और ही चीज रिसीव हुआ था। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट वाला जाकर वीडियो पहले देख लो, देन इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अभी देखो, मेरे पास ये जो है प्रोडक्ट है, रिप्लेसमेंट हो करके मेरे पास आ चुका है, और इसका आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरह का ये प्रोडक्ट रहता है, इसके अंदर एक्चुअली में रहता है कि नहीं अभी, ठीक है। तो ये रहा अपना वेइंग मशीन। चलो, मैं सोचा कि इसका वजन भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना वजन है। तो गाइस, देख सकते हो 352 ग्राम का इसका वजन है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। चलो, इस प्रोडक्ट को मैं साइड में रखता हूँ और इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है। पहले के जैसा फिर से फ्रॉड तो नहीं हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना टाइम को वेस्ट किए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने लाइव, और आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो गाइस, ये रहा अपना प्रोडक्ट, यहां पर देख सकते हो क्लियरली, और मैं आपको दोनों तरफ से दिखाता हूं। अभी भी मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया है बिल्कुल भी, और चलिए फटाफट इसको मैं निकालता हूं। और ये रहा अपना ब्लेड, और फटाफट इसको कट करते हैं और देन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है अब की बार। पहले तो आपको पता ही है, फ्रॉड हुआ था बहुत ही खतरनाक लेवल से, और इस बार देखते हैं कि क्या इसके अंदर रहता है। एक्चुअली मेरे को लगता है सेम प्रोडक्ट है। चलिए, मैं आपको बिल भी निकाल कर वापस दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि मतलब इस बार कुछ और प्रोडक्ट मंगा के और कुछ मतलब गड़बड़ी दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैंने करेक्ट प्रोडक्ट मंगाया है। अभी भी रिप्लेसमेंट हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा रिप्लेसमेंट मैंने किया है तो, और वैसे बिल आपको मैं दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा इसका बिल, यहाँ पर देख सकते हो, उसी सेम टू सेम उसी के जैसा बिल है, दोनों सेम टू सेम यहाँ पर। और प्रोडक्ट नेम जो है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो सेम टू सेम प्रोडक्ट नेम आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हो 1080p ड्रोन और बाकी सारे चीज़ें सेम टू सेम है, ठीक है। चलो, मैं बिल को मतलब रखता हूँ साइड में। वैसे बिल के ऊपर चर्चा मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं क्या ही बताऊँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर जाकर उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत ही अच्छे से पूरा फुल नॉलेज मिलेगा और क्या क्या करना चाहिए अगर आपके साथ भी फ्रॉड हो जाता है तो, ठीक है। तो देखो, सेम टू सेम प्रोडक्ट, इसके पहले जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ था सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है। मैं इसको निकाल के क्या ही दिखाऊँ आपको, डायरेक्ट मैं इसको प्रोडक्ट निकालता हूँ, क्योंकि डब्बा तो आपने ऑलरेडी देख चुका होगा वो पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो गाइस, ये देखो सेम टू सेम प्रोडक्ट, 10,000 रुपये है ये भाई। अब सोच लो, अब इसका जो प्राइस है 10,000 रुपीज़। अब बताओ, मतलब क्या ही करेगा कोई यार, मतलब ये तो रिप्लेसमेंट में तो कम से कम सही भेजना चाहिए ना ड्रोन। भाई, अगले के पास ड्रोन नहीं है तो भाई क्यों अमेजोन पर लिस्ट किए हो तुम कि मेरे पास ड्रोन है, मैं ड्रोन सेल कर रहा हूँ। तो ये तो मतलब बहुत ही गलत बात है, सोचना चाहिए मतलब सेलर को, और अमेजोन को भी देखना चाहिए चीज़ें, ऐसे ऐसे सेलर को डिसकंटिन्यू करके भगा देना चाहिए कम से कम। तो क्या ही कर सकते यार, अब इसको फिर से रिटर्न करूंगा मैं, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है यार, आप समझ सकते हो। अब देखो यार, मतलब देखो, इसमें कुछ लॉस तो मेरा हुआ नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि भाई मैंने तो ड्रोन ऑर्डर किया था, अब मेरा पैसा फंसा रहा, डायरेक्ट इसको रिटर्न नहीं करा सकते, यही प्रॉब्लम है इसका। तो गाइस, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है मेरा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो रिप्लेसमेंट डन हो चुका है। और रिप्लेसमेंट डन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अभी मैंने इसको रिटर्न कर दिया, यानी कि अब मैं रख ही के क्या करूँगा भाई, 10,000 रुपये का ये फुटबॉल कोई नहीं रखेगा, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को फाइनली रिटर्न कर दिया हूँ। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है, कल पिकअप हो जाएगा मेरे ओरिजिनल एड्रेस से, और मेरा जो रिफंड है वो आ जाएगा। इसमें मतलब ऐसा सिस्टम था ना कि आप रिप्लेसमेंट करवा के तब रिफंड करवा सकते थे, डायरेक्टली आप रिफंड नहीं आप चाह सकते थे। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर था, जो कि मैंने इस तरह से दिमाग लगाया, पहले प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करवाया और रिप्लेसमेंट करवाने के बाद रिफंड कराया, ठीक है। तो गाइस, फाइनली मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके साथ भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हो, एक्चुअल जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो आप इस चीज़ को सिंपली अप्लाई कर सकते हो एज अ कस्टमर। तो अगर देख लो आपको प्रोडक्ट में डायरेक्टली रिफंड मिल जा रहा है, यानी कि डायरेक्टली रिटर्न का ऑप्शन है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं हो रहा है तो आप लोग रिप्लेसमेंट करा के तब रिफंड करा सकते हो, जैसे कि मैंने कराया है इसको। मैंने जब रिटर्न पे गया था डायरेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन नहीं आया था, बोला था कि पहले प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करवाइए, आपको हो सकता है सही प्रोडक्ट मिल जाए। तो मैं भी सोचता चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ड्रोन वापस से मिल जाए तो अच्छा बात है। तो लेकिन देख सकते हो यहाँ पर फुटबॉल फिर से आ गया, तो मैं सोचा कि भाई अब फुटबॉल आ ही गया तो फिर से एक वीडियो बना दिया जाए, वैसे आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि भाई मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, फेक वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं। तो इसलिए मैं भी होनेस्ट रहता हूँ, क्लियर रहता हूँ एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट बताना, ताकि मेरे को भी भाई नॉलेज मिले, उस चीज़ को मैं रिमूव करने की कोशिश करूँगा, उस चीज़ को सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं यही बोलूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप मंगाते हो तो प्रॉपर एक वीडियो बनाया करो, ऐसे प्रोडक्ट मतलब आते मात्र झपट मत पड़ो उसमें, ठीक है। आप लोग क्या होता है, प्रोडक्ट जैसे आते हैं वो झपट जाते हो, फाड़ चीर के देख लेते हो, कोई प्रॉब्लम हुआ देन फिर प्रॉब्लम फंस जाती है। अब मेरे पास मान लो प्रूफ था, वीडियो था, अगर कोई मतलब मैटर फंसता, मेरे पास एक प्रूफ है, एज मैं दिखाया था भाई, लो भाई मेरे पास प्रूफ है और देख लो आप मेरे को, मतलब भाई बेसिकली आपको रिप्लेसमेंट या रिफंड देना ही पड़ता, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास प्रूफ था,
तो इसलिए आपको ही बोलूंगा मैं यही कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो प्रॉपर उसका वीडियो बनाओ। देखो मेरे साथ एक बार नहीं दो दो बार प्रॉब्लम हो गया। मैंने मान लो चलो भाई सेलर को कोई दिक्कत नहीं है, सेलर मैंने सामान मंगाया फर्स्ट टाइम, मान लो गलती से उसने फुटबॉल भेज दिया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मैं प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट कराया, अब तो उसके पास दिमाग होना चाहिए सेलर के पास कि भाई अब तो सही प्रोडक्ट भेज दे। अब बताइए इसमें सेलर का क्या फ़ायदा हुआ, मतलब आप सोचिए सेलर का क्या फ़ायदा हुआ। मान लीजिए एक बार उसने भेजवाया, उसका मतलब 40-50 जो भी 100 रुपए के आसपास लगा और डिलीवरी चार्ज मेरे पास भेजने के लिए, फिर से मैंने रिप्लेसमेंट करवाया, फिर से उसको पैसे लगा के भेजने के लिए और फिर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो इसमें सेलर का कितना लॉस है। अब क्यों ऐसा सेलर करते हैं, अब डोंट नो, पता नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं सेलर होता तो मैं भी ऐसा नहीं करता, बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्यों किया जाता है और क्यों नहीं किया जाता है, उसका अगर जवाब है आपके पास मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और आपके साथ फ्रॉड कभी हुआ है कि नहीं हुआ है पूरे लाइफ में ज़रूर से कमेंट में बता के जाना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पर नए आ गए घूमते फिरते तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ ड्रोन का और भी बहुत मज़ेदार मज़ेदार वीडियो, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।